तो दोस्तों मैंने देखी अनदेखी वेब सीरीज का सीजन 3 और ये वेब सीरीज जो है सोनी लिप के ऊपर रिलीज हुई है। इस वेब सीरीज का मैंने सीजन 1 सीजन 2 नहीं देख रखा है, तो जो भी मैं बताऊंगा भाई मैं सीजन 3 के बारे में ही बताऊंगा। और जिसने भी मेरी तरह सीजन 1 सीजन 2 नहीं देख रखा है तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 मिनट का रिकैप दिया गया है वेब सीरीज की शुरुआत में, जिसे देख के हम लोगों को समझ में आता है कि भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि अपनी बेटी की शादी में एक डांसर को मार गिराता है। और भाई अब उस मर्डर का वीडियो कुछ लोग बना लेते हैं। अब भाई वो लोग जो है बिजनेसमैन से पैसे की मांग करते हैं, एज यूजुअल जैसा होता है। अब भाई बिजनेसमैन उन्हें पैसा तो दे देता है, बट फिर से वो वीडियो बिजनेसमैन के सामने आ जाता है। और इस बिजनेसमैन के 2 बेटे रहते हैं, एक बेटे की शादी में उसने लड़की को मार गिराया था, एक और लड़का रहता है जो कि भाई अपने बाप के काले धंधे संभालता है, यानी कि ये बिजनेसमैन जो है भाई ड्रग्स का धंधा भी करता है। अब भाई इस पूरी फैमिली के पीछे एक पुलिस ऑफिसर पड़ा हुआ रहता है। अब भाई वो पुलिस वाला चाहता है कि कैसे ना कैसे करके उस बिजनेसमैन को भाई जेल के अंदर डाला जाए। अब भाई वो जेल के अंदर जाता है कि नहीं, ये तो आप वेब सीरीज में ही देखोगे। और भाई एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस वेब सीरीज को देखते टाइम मुझे मिर्जापुर वेब सीरीज की याद आ रही थी। और भाई आप सब लोग को पता है कि मिर्जापुर वेब सीरीज किस लिए जानी जाती है, भाई एक तो वायलेंस के लिए और दूसरी गालियों के लिए। तो भाई दोनों ही चीजें इस वेब सीरीज में आपको भर भर के देखने के लिए मिलती है। भाई लड़के ही नहीं भाई लड़कियां भी गालियां देती है, तो भाई फैमिली के लिए तो ये वेब सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। और भाई बात करूं इस वेब सीरीज की स्टोरी की तो भाई नॉर्मल सी है, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, तो एवरेज सी स्टोरी है। और भाई जो भी ये फिल्म की लोकेशन है, जो भी यहाँ पे वेब सीरीज में दिखाया गया है, भाई सारा का सारा हिमाचल में शूट हुआ है, यानी कि हिमाचल की लोकेशन मनाली की हम लोगों को स्टोरी दिखाई गई है। तो भाई जो भी शूटिंग है वहीं की है, यानी कि वेब सीरीज में हम लोगों को दिखाया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है बंगाल से संबंध रखता है, तो भाई जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी करता है बंगाली लैंग्वेज में और भाई जिस तरह से वो अपने दुश्मनों से बात करता है, तो भाई वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और इस वेब सीरीज में आप लोगों को टोटल 8 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ आप लोगों को 35-40 इस तरह की देखने के लिए मिलती है, तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वेब सीरीज को देखने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। और साथ में आप लोगों को वेब सीरीज में फैमिली लव ड्रामा इस तरह की चीजें भी देखने के लिए मिलती है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बंदों ने सीजन 1 सीजन 2 भी देख रखा होगा, तो भाई मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों को सीजन 1 सीजन 2 और सीजन 3 में से सबसे अच्छा सीजन कौन सा लगा। और भाई इस वेब सीरीज का एंड देख के ऐसा लगता है कि भाई सीजन 3 भी इसका लास्ट सीजन नहीं होने वाला है, तो भाई बहुत ही जल्द आप लोगों को सीजन 4 भी इसका देखने के लिए मिल सकता है, जो कि भाई इस वेब सीरीज के फैंस के लिए एक अच्छी बात होने वाली है। और भाई अगर मैं सच बताऊं तो अगर इस वेब सीरीज को आप लोग ना भी देखते हो तो भाई कुछ खास आप लोगों का बिगड़ेगा नहीं, और आपके पास टाइम है तो भाई इसे ट्राई कर सकते हो, पर ज्यादा उम्मीदें लगा के मत रखना।